नमस्ते बच्चों। तो इससे पहले कक्षा में हमने थोड़ा पाठ पढ़ा है ना, उसके बारे में जानकारी मिली थी तथा उसके बाद हमारे जो है ना अनुस्वार, विसर्ग, नुक्ता, इन सभी के बारे में हमने क्या कर दी, जानकारी भी हासिल कर दी। फिर जानकारी के साथ हमने इसका उपयोग किसलिए किया जाता है, इसका उपयोग किस तरह किया जाता है, इसके बारे में हम जान पाए। शब्द कैसे बनता है, वर्णों से शब्द बनता है, फिर शब्दों से वाक्य बनता है, फिर विसर्ग की क्या आवश्यकता है, अनुस्वार की क्या आवश्यकता है, नुक्ता क्यों दिया जाता है, चतुर्बिंदु की आवश्यकता है, इन सभी के बारे में हमने इससे पहले कक्षा में जानकारी हासिल कर ली। तो देखिए, जैसे जैसे हम बड़े विभिन्न व्याकरण जानकारी हमें होना आवश्यक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो मुझे पता है कि इसको आपकी इंग्लिश में अपने टीचर ने कविता जिसने इसको पढ़ाया है, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत से लोगों से पर्सन, फ्लावर, नेम, इन लोगों को सभी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी छोटी सी आप क्या करते थे, व्याख्या बोला करते थे, पता है ना। तो बिल्कुल यही संज्ञा, संज्ञा जो है हिंदी में बिल्कुल वही है, ये कोई अलग बात नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम व्याख्या जानेंगे इसके बारे में हम आगे भी जानते हैं। देखिए, संज्ञा है क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं, एक एक उदाहरण करके देखते जाएंगे ना, तो आपको एक एक के बारे में आगे आगे दिखा दे जाओगे, आप उसे सुनते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला उदाहरण देखो, यहाँ उदाहरण है, तो क्या कह रही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहला उदाहरण क्या देखिए, गीता और लता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो गीता और लता ये किसके नाम है, मेरा मेरा तो नहीं है, हाँ आप में से किसी के तो होंगे ना। तो गीता और लता किसके नाम है, व्यक्ति के नाम है, किसके नाम है, व्यक्ति के नाम। व्यक्ति है क्या, इंसान, औरत, आदमी जो है वो व्यक्ति है, हाँ। तो इन दोनों के नाम जो है गीता और लता ये व्यक्तिवाचक या व्यक्ति के ऊपर, इसको हम क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब इसमें व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये हो गया पहला, देखते हैं ना दूसरा बताओ तेरा, हाँ दूसरा क्या देखिए, गंगा, यमुना, ये किसके नाम है, स्थान नहीं, जल, ये नदियों के नाम है। देखिए ना, चकमा खा गए ना आप भी लोग, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि नाम ही गंगा यमुना नदियों के भी होते हैं ना, तो वो कम से हो गए, व्यक्ति के भी हो गए, लेकिन गंगा यमुना आश्रय में नाम किनके है, नदियों के है, नाम तो नाम ही है, इसलिए मैंने ऐसा दोबारा उदाहरण दे दिया। तो आप क्या बोलोगे, गंगा नदी नहीं, टॉपिक में गंगा क्या है, इसने तो ऐसा नहीं कहा था लड़की का नाम, व्यक्ति के नाम गंगा कैसे आएगा, तो ये नहीं है, गंगा नदी का नाम है, क्योंकि वो भी नाम ही होता है ना, वो गंगा खुद बोलिए मेरा नाम गंगा बोलो, हम लोगों ने उनके लिए नाम रखा है उन्हें गंगा और यमुना, ठीक है। चलते आगे ना, आगे देखिए, भारत और दिल्ली, भारत और दिल्ली, दिल्ली हमारे भारत में ही है ना, हाँ। तो अभी क्या है प्रश्न का है, भारत क्या है, एक देश है, दिल्ली क्या है, एक छोटा सा राज्य है जो भारत में स्थित है, तो ये क्या दर्शाता है, देखिए वस्तु है नहीं, व्यक्ति है नहीं, तो क्या है, स्थान है,
क्योंकि वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ए हो गया स्थान। समझ में आ रही है ना बात? भारत और दिल्ली क्या है? स्थान है, एक जगह स्थित है, वो इधर उधर घूमते नहीं है। जब मुंबई इधर आते हैं मिलने के लिए हमें, क्या हमारा मेडिकल स्टोर जाता है मिलने के लिए? नहीं, हम व्यक्ति चल कर जाते हैं, हमारा मेडिकल इधर ही रहता है। वो मुंबई महाराष्ट्र जो है ना इधर ही है, बस हम उधर जाते हैं, इसलिए वो एक जगह रहता है, इसलिए हो गया स्थान। आपका घर किसी दूसरे के घर के साथ बाहर से भागने के लिए जाता है क्या? आपका वो मुंबई उड़ता हुआ चला गया देखा है? नहीं, ये बस कहानियों में होता है। तो क्या है भारत और दिल्ली? क्या है? स्थान। ठीक है, तो देखिए चौथा उदाहरण हम देखते हैं। चौथा उदाहरण दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो चौथा क्या है? गाय। तो गाय क्या है? अभी हो गया देखिए स्थानों का नाम, फिर हो गया नदी का नाम, हो गया व्यक्ति का नाम, हो गया। तो गाय किसका नाम है? प्राणी का। हाँ, तो स्थान के बाद क्या आता है? प्राणी। तो गाय क्या है? प्राणी है। क्या व्यक्ति है? नहीं, प्राणी नहीं। गाय क्या है? प्राणी। वो घास खाती है और कभी कभी बिल्ली भी खाती है, लेकिन वो प्राणी की वो अलग प्रकार की है, कभी उसके पेट में दर्द होता है इसलिए वो घास खाती है। लेकिन गाय क्या है? एक प्राणी के इसमें आता है, तो इसके लिए एक गाय प्राणी है। तो देखिए व्यक्ति देख लिया, स्थान देख लिया, प्राणी देख लिया। अब चलते हैं पांचवे और लाल किला क्या है? क्या है लाल किला? देखा आपने कहाँ है लाल किला? दिल्ली में है। हाँ, वो लाल किला क्यों है? क्योंकि वो लाल पत्थर से बना है और लाल नजर आता है, इसलिए उसको लाल किला नाम कहा जाता है। तो देखिए लाल किला ये क्या है? इमारत का नाम है। ये क्या है? सीमेंट से बने जो भी है लोगों ने बनाए हैं, तो इसको इमारत का नाम दिया है, इसको इसे इमारत का नाम है। लाल किला इमारत का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूध। दूध क्या है? आप पीते हो ना दूध, क्या है बोलो? द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ है, लेकिन वो सबसे पहले वस्तु भी है ना। दूध एक वस्तु के इसमें आता है, तो एक हो गया वस्तु का नाम। इसमें शक्कर भी हो सकती है ना, जो भी हम चीजें खाते हैं उसमें शक्कर तो सकते हैं, अलग अलग दूध के भी है, ये द्रव पदार्थ है। तो आप क्या करोगे कि दूध है मेस ऐसा कैसे? वो पतला है इसलिए वो वस्तु भी है, इसलिए मैंने ये दूध ले लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए सातवां मिठास। शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। तो मिठास और बचपन। बचपन यानी क्या? मिठास और बचपन। मिठास यानी क्या? शक्कर कैसी है? हमारे जीभ को मीठी लगती है। करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। और कौन सी चीजें होती है? पानी फीका भी हो सकता है, शरबत भी फीका हो सकता है ज्यादा शक्कर में मिलाने पर। तो ये सारे टेस्ट का। और जो हमारी मिर्च कैसी होती है? तीखी। तीखी होती है। तो ये सब भाव क्या होते हैं? मिठास ये जो हमारे ना पूरे शरीर में होती है, तो इसको हम भाव में गिनते हैं। ये हमारे शरीर के एक भाव है, जिस तरीके हंसना है, रोना है, खाना है, इत्यादि उसी प्रकार। तो यहाँ बचपन, बचपन यानी आप छोटे छोटे हो ना, इसलिए आप बच्चे हो, इसलिए बचपन में आप छोटे। जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े युवा बन जाओगे, उससे बड़े हो जाओगे, तो आप सौभ्य नागरिक होता है, सुदृढ़ नागरिक बन जाओगे, और उससे ऊपर जाओगे तो आप बूढ़े बन जाओगे या नानाजी बन जाओगे। तो ये जो बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये जो स्टेजेस है ना, ये सब क्या दर्शाते हैं? हम लोगों के भावों के नाम जिंदगी। क्या दर्शाते हैं? भावों के नाम दर्शाते हैं। तो देखिए
बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों का मिलाप जहां होता है वो होता है भावों के नाम। तो इन सब को मिलकर क्या हो जाती है, संज्ञा की निर्मिति होती है। तो हमें एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे, संज्ञा की व्याख्या नहीं होंगी, मैं आपको बस कुछ शब्द दूंगी और आपको इन संज्ञाओं को ढूंढना है। ये होगा आपका होमवर्क, ठीक है। तो इतना तो बात समझ में आ गई, तो चलते हमें होमवर्क भी देना पड़ेगा ना हम लोगों को, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। आप लोगों को कहीं समझ में आया है क्या, नहीं, ठीक है। तो कुछ मैं होमवर्क यहां देती हूं। हाँ, तो ये जो मैंने दिया है इसको क्या करो, मेरा इसको थोड़ा सा पॉज करके आप क्या कर सकते हो, आपने होमवर्क में नहीं सीडब्ल्यू में कहां लिखना है इसको, क्लासवर्क में। हाँ, क्लासवर्क में इसको आप पूरी व्याख्या बताई, मैंने जो उदाहरण दिए ये आप लिखोगे और इसके उपरांत इसके लिए जो होमवर्क दूंगी वो आपको आपके एचडब्ल्यू में लिखना है। तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, दोनों में मेरा वीडियो देखकर फिर से लिख सकते हो, ठीक है। तो आप मैं इसको रफ करती हूँ क्योंकि आपको होमवर्क देना भी आवश्यक है, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में जानना, संज्ञा हमारे जीवन का एक भाग है जिसे हम नाम कहते हैं, लेकिन वस्तु का नाम या किसी एक स्थान का नाम या किसी भाव का नाम, प्राणी का नाम, ये सब मिलकर संज्ञा की निर्मिति हुई है, ठीक है। हाँ, वस्तु भी है ना, चारों में से कोई तो एक संज्ञा है
ग्राउंडेड, ठीक है। तो तब तक के लिए जो संज्ञा की व्याख्या है वो पहले देखते हैं। और जैसे इंग्लिश में आपने पिछले साल संज्ञा पढ़ी है, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था इसकी व्याख्या, तो इसको भी बिल्कुल ही इसी तरह है। और ये जो हमारा होमवर्क है आप करके तैयार किए, ठीक है। तो आज की कक्षा हमारा जो है संज्ञा की या व्याकरण की यही समाप्त होती है। मिलते हैं हमारे जल्दी आगे वाली कक्षा में। धन्यवाद।